एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने लड़की को मारी गोली, खुद भी गोली मार कर की खुदकुशी। लड़की की हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बरेली में आज एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बिशारतगंज के इनायतपुर गांव में एक सनकी युवक ने एक तरफा प्यार में युवती को गोली मार दी और खुद भी गोली मार कर आत्महत्या कर ली। युवती की 16 जून को शादी होनी है। वहीं पुलिस ने घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तस्वीर है 20 साल के अमित गुप्ता की। अमित गुप्ता पड़ोस में रहने वाली दूसरी बिरादरी की लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था। अमित को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसकी शादी 16 जून को किसी और से होने जा रही है, तो वह अपना आपा खो बैठा और तमंचा लेकर लड़की के घर पहुंच गया और फिर उसको गोली मार। अमित ने अपने आप को भी गोली मार ली। अमित की मौके पर मौत हो गई, जबकि लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। SSP शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि अमित ने लड़की को उसके घर पर जाकर गोली मारी है, फिर खुद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उनका कहना है कि अमित लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था, जब उसे जानकारी हुई कि उसकी शादी कहीं और होने जा रही है तो उसने लड़की को गोली मार दी। SSP का कहना है कि मामले की जांच पुलिस कर रही है, अगर अमित के परिजनों ने कोई आरोप लगाए हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। और थाना विशारदगंज क्षेत्र में आज सुबह एक घटना हुई। ये गांव इस्माइलपुर पड़ता है। यहाँ पे अमित नाम के युवक ने गांव की ही एक युवती को उसके दरवाजे पे गोली मारी और वहाँ से भाग गया। और बताया जा रहा है कि गांव के जस्ट बाहर, रिहायश के जस्ट बाहर उसने स्वयं को गोली मारी और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है। संबंधित प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पूरी घटनाक्रम के बारे में जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें ये पता चल रहा है कि ये संभवतः युवक एक तरफा प्रेम युवती से कर रहा था और उसकी शादी जो है आने वाले दिनों में तय थी, उससे प्रेरित होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। बाकी इसमें डिटेल छानबीन पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। नहीं, जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच, जैसा मैंने बताया कि उनकी जांच की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो मौके पे चीज़ें सामने आई है उसमें जो लड़की के घर वाले हैं या आसपास के लोग हैं, मौके पे सभी का ये कहना है कि पहले लड़की को उसके दरवाजे पे गोली मारी गई, उसके बाद लड़का भागा है वहाँ से और भाग के गाँव के रिहायश के बाहर उसने गोली मारी है अपने आप को। बाकी जैसा मैंने बताया पूरी डिटेल छानबीन अभी प्रचलित है। प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं वो आप लोगों को अवगत कराया गया। तो वहीं अमित के भाई राजा बाबू का आरोप है कि अमित लड़की से शादी करना चाहता था और 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज भी की थी। लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और 16 जून को उसकी शादी थी। लड़की उस शादी से राजी नहीं थी और अमित से ही शादी करना चाहती थी, जिस वजह से आज सुबह करीब 6 बजे लड़की के घर वालों ने अमित को अपने घर बुलाकर गोली मार दी। ग्राम प्रधान के साथ मिलकर लड़की के पिता और चाचा ने अमित को गोली मारकर हत्या की है और अपनी बेटी को भी गोली मारी है। क्या नाम है आपका? राजबाबू। क्या वजह है जो लड़का लड़की दोनों गोली मारी है? लड़का एक्सपायरी हो गया। वो शादी करना चाहता था लड़की से और उसकी फोर्ड मैरिज भी हो चुकी है और लड़की के बाप ने और चाचा ने दोनों ने मिलकर गोली मारी है, लड़का की भी और लड़की की भी, दोनों गोली मारी है। इसमें प्रधान की सलाह है, वीरपाल की, उन्होंने अपने घर पर बुला के मेरे भाई की गोली मरवाई है। कितने बजे की घटना है? ये घटना 6 बजे की घटना है और लड़की की शादी आपका नाम 16 तारीख की शादी है, वो अंत शादी करना चाहती थी, लड़की बिना कर रही थी शादी करने के लिए कि मैं अब शादी करूँगी तो अमित से ही करूँगी और वरना किसी शादी नहीं करूँगी। परिवार वाले अंत चाह रहे थे लेकिन उसने लड़की ने मानी नहीं। सुबह भी उसने मना करी थी मेरी शादी मत करो लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहे थे। दोनों एक ही समाज से? नहीं, वो और समाज से है
लड़की पाल समाज की है, हमारा भाई बनिया है और जो प्रधान ने बुलवाया था वो ठाकुर है। क्या करता था? हमारा भाई दुकान चलाता है, परचूनी की दुकान चलाता है। लड़की तो घर पर ही रहती थी अपनी, कुछ नहीं करती थी, पढ़ाई करती थी। लड़की की माँ का कहना है कि बच्चों में पहले लड़ाई हुई थी जिस वजह से अमित ने आज सुबह उनकी बेटी को गोली मार दी। उनका कहना है जो गांव वाले कह रहे हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे वो गलत बात है, हमारी लड़की की 16 जून को शादी थी। वहीं लड़की के पिता भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी बेटी का अमित से अफेयर चल रहा था। किनको? प्रेमवती। आपकी बेटी गोली किसने मारी थी? अमित ने गोली मारी थी, गोली मारी छिपके खड़ा हुआ, लड़की लड़के ने लड़ाई हुई भाई। ये परसों की शादी है, भेटा से। विजय कुछ ना रही थी, कुछ ना कोई लड़ाई पहले चक्कर हुई चुको लड़ाई से, और उसे लड़की लड़की के साथ बहा के प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं थी। जो गांव वाले उड़ाते हैं वो लड़का वाले उड़ाते हैं, वो उड़ाने दो हैं। कोई लड़की लड़का ही राजी नहीं थी, वो शादी कर रही हूँ इनकी सही लड़की की राजी थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर गुड्डू है। अच्छा, आज आपकी बेटी ने गोली चलाई, किसने चलाई और क्या वजह थी? सर अमित गुप्ता ने गोली चलाई थी, ये बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया था लड़की लड़कियों का। उसकी बहन ने कागज ने उसकी मार्कशीट रख ली थी, काफ़ी दिन हो गए थे, ये मांगती रही उसने दी नहीं, पता नहीं खो गई पता नहीं क्या हुआ, उसमें आपस में झगड़ा ज़्यादा बन गया, फिर उसने इसको गोली मार दी लड़के को, अमित गुप्ता ने। हाँ जी, सुनने वाले को प्रेम संबंध थे? नहीं सर, इसके हमें कोई पहली बात तो था नहीं ऐसा, और होगा तो हमें पता नहीं सर। फिलहाल गांव वालों में ये चर्चा है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे को लंबे समय से चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले शादी को राजी नहीं थे। वहीं अब मामला पुलिस की जांच पर टिका है, क्योंकि अमित के घर वालों ने हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। यूपी ब्लॉक्स के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट।